भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से यूपी पहुंच गई है। यूपी में यात्रा की एंट्री के बाद ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। भाई बहन का ये प्यार सबका ध्यान खींच रहा है। भारी भीड़ के बीच यूपी में इस यात्रा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी जुड़े, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी और इन सब के अलावा रॉ के पूर्व चीफ एएस दौलत भी यात्रा का हिस्सा बने। गाजियाबाद से यात्रा बागपत पहुंची है, जबकि कल यात्रा शामली में रहेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। सरकार ने हजार करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। अदानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने यात्रा का समर्थन कर बागपत और शामली में यात्रा के भव्य स्वागत का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है।